नमस्कार दोस्तों, आज के डूमे हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं संसद का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो है संसद का पेपर होने वाला है, बिल्कुल यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, उचित विकल्प अचित्वा लिखकर। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सही विकल्प पूछा है, बालिका या पदे विभक्ति अस्ति। तो बालिका पद में कौन सी विभक्ति आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा आ वाला तृतीय विभक्ति हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, पुस्तक शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें और बा वाला पुस्तक में हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम में कौन सी विभक्ति आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति दा वाला। चौथा देख लीजिएगा, कस्मात् पदे विभक्ति अस्ति। तो कस्मात् पद में कौन सी विभक्ति आपको बताना है, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें हमारा राइट आंसर सा वाला पंचमी विभक्ति हो जाएगा। और पांचवा देख लीजिएगा, विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्यपद अस्ति, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सा वाला ई हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, आधुलिखतेषु अव्यपद अस्ति, इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर ब वाला कुत्र हो जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्प के कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन 2 देख लिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान का आंसर लगा लीजिएगा, गच्छन्तु इसमें पदे खाली स्थान वचनम अस्ति, इसमें हमारा द्विवचन हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, वदामि इसमें पदे खाली स्थान धातु अस्ति, इसमें वद धातु हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, पचेयु इसमें पदे खाली स्थान लकरा अस्ति, इसमें विधिलिंग लकार हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, लिट लकारस्य उदनाम खाली स्थान अस्ति, इसमें हमारा प्रतिशति हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, अधिकारा पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, इसमें अधि हो जाएगा। और छठा देख लीजिएगा, पराजय पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, तो इसमें हमारा परा हो जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, महा प्लस इंद्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, महेंद्रा हो जाएगा। जगदीशा, तो जगदीशा हमारा जगत प्लस ईसा हो जाएगा। मान च आशोपुरसा, इसमें हमारा महापुरुषा हो जाएगा। चंद्रशेखरा, तो चंद्रशेखरा में आप लगा लीजिएगा, चंद्रशेखरा में हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। दिग्गु समास उद्रम अस्ति, तो हमारा पंचवर्ती हो जाएगा। नमस्ते में हमारा हो जाएगा नमा प्लस अस्ते हो जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से सही जोड़ी कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक पद में इन क्वेश्चनों के जवाब देना है, जिससे 6 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। कृत्वा प्रत्यक्ष एकम उद्रम अस्ति, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, कृत्वा प्रत्यक्ष एकम उद्रम अस्ति, आपको कृत्वा प्रत्यय का आपको एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, यहाँ पर पटित्वा लिखना है। क्या लिखना, पटित्वा आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, गतवान इसमें पदे का प्रत्यय अस्ति, तो गतवान में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय ये आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा यहाँ पर कृतवतु, क्या लिखना है, कृतवतु आपको दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लगाना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अजा इसमें पदे का प्रत्यय अस्ति, तो अजा में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको लगाना है टाप प्रत्यय, क्या लगाना है, इसमें टाप लगाना है। उसके बाद चौथा देख लिया, अहम कस्मे जीवनम काम्य, तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन आपको मानवाई, क्या लगना है, इसमें मानवाई आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख लिया, व्याघ्रा कस्मात् विव्यति, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लगाना है मानुवती, क्या लगाना है, मानुवाद आपको यहाँ पर पांचवे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। वो छठा क्वेश्चन देख लिया, वृषभा कुत्र प्रभात, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लगाना है यहाँ पर क्षेत्र, क्या लगाना है, क्षेत्र आपको यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया है। क्वेश्चन 5 में आपको आम और ना बताना है, शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। ठीक है, तो इनके आंसर लगा लीजिएगा। पहला आपको हो जाएगा आपका आम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला आपका आम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका आम हो जाएगा, उसके बाद तीसरा लगा लीजिएगा, तीसरा भी आपका हो जाएगा यहाँ पर आम हो जाएगा, और यहाँ पर चौथा हमारा हो जाएगा ना, और पांचवा हो जाएगा हमारा आम हो जाएगा, उसके बाद छठा हमारा हो जाएगा यहाँ पर ना हो जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे।
अब यहाँ पर हमें सिक्स वाला क्वेश्चन देख लेगा, अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। तो यहाँ पर पर्यावरण किस किस कारण से यहाँ पर दूषित होती है ये आपको बताना है। अब तो क्वेश्चन देख लेगा, लोके महत्व बृहत् का मुच्यते। तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही हमारा सातवां क्वेश्चन देख लेगा, बुद्धिमती केन उपेसा पितृग्रह प्रति चलिता। अतो क्वेश्चन दिया हमारा, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर आठवें क्वेश्चन देख लिया, आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। नौवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर दसवें क्वेश्चन देख लिया, दसवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर ग्यारह क्वेश्चन देख लिया, ग्यारह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ग्यारह क्वेश्चन में प्रश्न निर्माण करो। आपको जो रेखांकित किया गया है यहाँ पर शब्द, इनको प्रश्न के निर्माण में यहाँ पर बल देना होगा, तो इनके आंसर लगा लीजिएगा आपको। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर पहले में अकस्मात लिखना है, क्या लिखना है, अकस्मात आपको लिखना है, ठीक है। अकस्मात लिखकर आपको पूरा यहाँ पर वाक्य ऐसे कैसे लिख देना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके स्थान पर आपको अकस्मात लिख देना है, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, इसमें आपको अंडरलाइन जो किया गया है इसके स्थान पर आपको लिखना होगा यहाँ पर कया लिखना है, क्या लिखना है, कया आपको लिखना है। और इसके स्थान पर आपको लिखना होगा क्या लिखना है, इसमें केसाम लिखना है, क्या लिखना है, इसमें केसाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बारह क्वेश्चन निकल गया, बारह क्वेश्चन आपको क्या करना है, क कम प्रति कथियति, इनको उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर तेरह क्वेश्चन निकल गया, तेरह क्वेश्चन आपको क्या करना है, तेरहवें क्वेश्चन में आपको कॉपी दे, आपको क्या वाक्य का परिवर्तन करना है, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है रामा पत्र लिखती, दूसरे राम जो राम होता है वो पत्र क्या करता है, लिखता है, ठीक है, लिखती है, मतलब राम क्या है, एक तो लड़का है, क्योंकि यहाँ पर लड़की का यहाँ पर स्वरूप किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखते के स्थान पर क्या करना है, आपको लिखंती करना है, क्या करना है, लिखंती करना है, लिखंती आपको करना है, ठीक है। तो आपको करना होगा रामा पत्रम लिखात, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, लिखते के स्थान पर आपको लिखात करना है, क्या करना है, लिखात, तो आपको लिखात कर देना है, लिखात, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लिया, बालकेन ग्रह गम्यते, तो यहाँ पर क्या करना है, गम्यते के स्थान पर क्या करना है, आपको गम्यन्ते, क्या करना है, गम्यन्ते करना है, मतलब आधा ना और ते लगा देना है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लिया, छात्रेन हस्यन्ते, देखो यहाँ पर हंसते तो आपको कुछ नहीं करना, हस्यन्ते कर देना है, हस्यन्ते आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है, जिससे तीन नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर चौदह क्वेश्चन देख लिया, चौदह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चौदह क्वेश्चन में आपको दो श्लोक याद करना है, क्या करना है, इस क्वेश्चन में दो श्लोक याद करना है। वैसे परीक्षा में आपको एक श्लोक लिखने के लिए बोला जाएगा, बट आपको दो श्लोक इस क्वेश्चन में याद करना है, ठीक है। इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। पंद्रह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देख लीजिएगा, पंद्रह क्वेश्चन में आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन लिया है, कृषका ग्रामे गच्छति, तो जो कृषक होता है वो गाँव का क्या करता है, गच्छति मतलब जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा कश्यका ग्रामात ग्रामात गच्छति, ठीक है, इस तरह का सा आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा देख लीजिएगा, छात्रा विद्यालय पठति, जो छात्र होता है वो क्या करता है, विद्यालय में पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक छात्र नहीं है, बहुत सारे छात्र हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो छात्रा विद्यालय है, क्या आप करता है, पढ़ती है, मतलब पढ़ता है, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। तीसरा देख लीजिएगा, अहम जलम पीती, मैं जल या हम जल पीते हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, हम इसको आपको करना होगा अहम जलम पीबंती, ठीक है, अहम जलम पीबंती, हम सभी यहाँ पर जल पीते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। और सोलहवा क्वेश्चन निकले, सोलह क्वेश्चन का आंसर लगाते जाइए। पहले में आपको क्या लिखना है, पहले में आपका ये लिखना है, ठीक है, यहाँ पर नंबर डालते जाइए, पहले में आपको यहाँ पर लिखना होगा, और दूसरे में आपको लिखना है यहाँ पर सदा लिखना है, दूसरे में आपको सदा लिखना है, और तीसरे में आपको लिखना है यहाँ पर एव लिखना है, और चौथे में आपको लिखना है यहाँ पर बही लिखना है, ठीक है, और पांचवें आपको अर्थ लिखना है, ठीक है, जिससे यहाँ पर दो नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सत्रह देख लिया, क्वेश्चन सत्रह में आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा सेंटेंस इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। आपको पहले का पहले में लिखना है, दूसरा का दूसरे में आपको लिखना है, और तीसरे का तीसरे में आपको लिखना है, और चौथे के चौथे में आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, जिससे दो नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर 19 क्वेश्चन दिया है, 19वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा,
आदु लिखते हम गद्यांश पठित्वा प्रसन्नाम उत्तरानी संस्कृते लिखत। आपको एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ये फ्री के नंबर तीन नंबर आपके फ्री के नंबर, कुछ नहीं करना आपको। इन गद्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको तीन क्वेश्चन नीचे दिए गए। आपको पहला क्वेश्चन देख लिखा राजपुत्रस्य नाम किम, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर देख लीजिएगा राजपुत्र का नाम क्या था, राजसिंह आपको लिखना पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा मार्गे सा कम दश्यता, तो इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लिया ग्रामस्य नाम किम, जो गांव था उसका नाम क्या था, तो इसका आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये तीसरे का हो जाएगा, जिससे तीन नंबर ऐसे कंप्लीट होंगे। और इसके और वाले क्वेश्चन मतलब इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लिया, 19 क्वेश्चन में आपको एक पद्यांश दिया, इस पद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके थ्री नंबर फ्री के हैं, कुछ नहीं करना आपको इसको पढ़ने के बाद। आपको तीन क्वेश्चन नीचे दिए, तो तीनों के आंसर आपको यही से चार्ट कर लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके अतवे वाले क्वेश्चन देख लिया, अतवे वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम वही करना है। अब यहाँ पर बीसवें वाला क्वेश्चन देख लिया, बीसवें वाले क्वेश्चन में एक आपको नाट्यांश दिया है, इस नाट्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देख लीजिएगा तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी क्वेश्चन में छाट कर लगाना है, ठीक है, जिससे आपके तीन नंबर यहाँ से कंप्लीट होंगे। आपको तीन क्वेश्चन दिए, सॉरी यहाँ पर चार क्वेश्चन दिए, चार में सिर्फ आपको तीन क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लिया, 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, कुछ नहीं करना इसमें। आपको पांच क्वेश्चन दिए, पांचों के आंसर आपको ये से चार्ट कर लगाना है, ठीक है, जिससे आपके चार नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लिया, 22 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 22वें क्वेश्चन आपको एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है संसद में, और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना है आपके मित्र को, ठीक है, आपके मित्र को जन्मदिन की यहाँ पर शुभकामना देने के लिए एक पत्र आपको लिखना होगा। इसके साथ हमारा 23 क्वेश्चन देख लिया, 23 क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक निबंध लिखना होगा संसद भाषा में, ठीक है, जिससे चार नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारा क्वेश्चन 11वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 11वें के बाद ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का पहला, दूसरा, उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। अब यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, सही विकल्प वाले के आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पर एक से लेकर पांच तक के नंबर आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दो के उत्तर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन दो के उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन दो के बाद ये हमारा क्वेश्चन तीन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फोर का उत्तर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको आम और ना लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, ये हमारा छठे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छठे के बाद ये हमारा सातवें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, और ये हमारा आठवें क्वेश्चन का उत्तर, ये हमारा नौवें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है, और ये हमारा दसवां। दसवें के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक श्लोक यहाँ पर परीक्षा में लिखने के लिए बोला गया था, जिसमें से आपको दो श्लोक यहाँ पर दिए गए, आपको दोनों श्लोक को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 18वें का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना है। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा 19वें क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, अवकाश का आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से। उसके बाद यहाँ पर 22 क्वेश्चन का आंसर में आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं का संसद का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप इस पेपर माध्यम से परीक्षा में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।